SC ST एक्ट 307 सहित कई मामलों में थी तलाश। केपी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। केपी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आरिफ, ये बहुत प्राचीन अपराधी था जो पृथ्वीराज यादव, ये लंबे समय से लगभग पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लगभग जो बताया जा रहा है तेरह मामलों में वांछित ने SC ST और 307 जैसे गंभीर मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस इसके पीछे लगातार लगी हुई थी, मुखबिर इसके पीछे लगाए हुए थे और आज पुलिस को इस बात की बने लगी कि टूटा था लाल खदरा का जो गाँव है उसके निकट एक बलुआ पुल है, वहां पर ये मौजूद है और वहीं पर जो है पुलिस ने बिना किसी देर किए और कोरोना सीओ जो है महेंद्र पाल उनके नेतृत्व में वहां रवाना हुई और इसको मौके से पकड़ लिया गया है। इसके पास से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और आरोपी को जो है न्यायालय के माध्यम से जेल रवाना कर दिया गया है। केपी, किस तरह के मामलों में ये अपराधी वांछित था, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी? देखिए आ रही थी लंबे समय से जो है कई मामलों में जिसमें छिनौती का मामला था, लूटपाट का मामला था और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का मामला था। इस तरीके से लगभग आधा एक दर्जन मामले जो है इस पृथ्वीराज यादव के ऊपर दर्ज थे और लगातार जब से मामले दर्ज हुए तब से पुलिस लगातार इसकी तलाश में लगी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया केपी तमाम जानकारी के लिए। तो श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, SC ST एक्ट 307 सहित कई मामलों में मिली तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस द्वारा एक साथी अपराधी जिस पर 30,000 रुपए का इनाम था वो गिरफ्तार किया गया है। मेरे समझते थे ये अभी 3 मुकदमों में करीब 8-9 महीने से वांछित चल रहा था और इस पर 13 मुकदमे हैं जिसमें लूट के भी मुकदमे, लूट और चोरी के मुकदमे भी शामिल हैं।